सूरज हूं जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। मेरे सरताज को सितारों से बड़ी दिलचस्पी है, आखिर क्यों? क्योंकि इनकी गर्दिश में इंसान की किस्मत का राज पोशीदा होता है। लेकिन ये बेचारे तो खुद ही अपनी गर्दिश से परेशान रहते हैं। ये किसी की किस्मत की गर्दिश और परेशानी को क्या हल पेश कर सकते हैं? शायद जो कुछ आप फरमा रही हैं वो सच हो, लेकिन ये ना भूलें कि इन्हीं सितारों ने हमें इस चांद तक पहुंचाया है जो इस वक्त हमारे सामने है। तो ये कहिए, हमारे शहंशाह को सिर्फ सितारा शनासी ही नहीं, शायरी भी आती है? जब ऐसा बलाखेज हुस्न पहलू में बैठा हो तो शायरी ना करना बदजौखी की अलामत है। लेकिन शायरी में झूठ की आमेजिश भी तो होती है। हमारी शायरी सच्ची है, क्योंकि ये शायरी नहीं हकीकत का इजहार है। आपको एक खुशखबरी भी सुनानी थी कि महाराजा मालदेव के दरबार से हमारा इलची ये पैगाम लेकर वापस आया है कि उन्होंने अपनी रियासत में आने की हमें दावत दी है। एक बार अगर हम उनकी रियासत में पहुंच गए तो ना सिर्फ शेर खान की अय्यारियों से महफूज हो जाएंगे, बल्कि आइंदा के लिए हिकमत अमली भी सोच सकेंगे। आपको सफर में कोई तकलीफ तो नहीं होगी? हमें तो अब जिंदगी का सफर भी आप ही के साथ तय करना है। अब इसमें राहत हो या तकलीफ, सब गवारा है। हमारा ख्याल था कि महाराजा मालदेव एक दूरंदेश हुक्मरान और सही इंसान है, लेकिन मिर्जा हुमायूं को पनाह देने का वादा करके उन्होंने हमारे ख्याल को गलत साबित कर दिया। क्या उन्हें नहीं मालूम मिर्जा हुमायूं से दोस्ती का इजहार मां बदौलत से दुश्मनी का ऐलान है? ये नामुमकिन है अलीजा कि उन्हें इस हकीकत का इल्म ना हो। तो फिर ये नादानी उनसे क्यों कर सरजद हुई? उनको खबर दो कि हम हर उस छत को उठा देंगे जिसके तले हुमायूं ने सर छुपाया हो, हर उस दीवार को गिरा देंगे जिसके साए में उसे दम लिया हो। हमारी महाराजा मालदेव से कोई दुश्मनी नहीं, बल्कि हम उनसे दोस्ती के ख्वाह हैं। उनसे कहो कोई भी फैसला करने से पहले हालात की नफ्स देखे और हवा के रुख को पहचाने। उन्हें पैगाम दो अगर वो मिर्जा हुमायूं को गिरफ्तार करके हमारे हाथों में थमा दें तो हम अपनी दोस्ती का हाथ उनके हाथ में दे देंगे। शेर शाही सलाम में गर्क होने से बचने का सिर्फ यही एक रास्ता है। जाओ और उनसे कहो हम नहीं चाहते कि गेहूं के साथ गुण भी पिस जाए। शेरशाह सूरी का दूत क्यों आया है? शेरशाह सूरी को हमसे क्या काम हो सकता है? महाराज धराज मालदेव का इकबाल बुलंद हो, खादिम अपने बादशाह शेरशाह सूरी का पैगाम लेकर हाजिर खिदमत हुआ है। संदेश सुनाया जाए।
आला हजरत शहनशाह दौरा शेरशाह सूरी को इस बात का सख्त रंज है कि महाराज ने बादशाह हुमायूं को पनाह देने का वादा कर लिया है। क्या तुम्हारा बादशाह पुरानी मित्रता को निभाना पाप समझता है? हरगिज नहीं आलेजा, लेकिन पुरानी दोस्ती को निभाने की कोशिश में नई दुश्मनी पैदा कर लेना अकलमंदी और मसलियत के खिलाफ है। तुम क्या कहना चाहते हो? खादिम की मजाल नहीं कि वो एक इकबालमंद हुक्मरा को कोई मशवरा दे सके। हमारे बादशाह को यकीन है कि महाराज वक्त और मौके की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए ही कोई फैसला करेंगे। परंतु हम अपने मित्र को आने का निमंत्रण दे चुके हैं। हमारे बादशाह ने भी आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। आलम पना फरमाते हैं कि इस बात का फैसला महाराज की दूरंदेशी पे छोड़ दिया जाए कि वो किसकी दोस्ती कबूल करते हैं, किसकी दोस्ती रद्द करते हैं। हमें किसी निर्णय में पहुंचने के लिए कुछ समय चाहिए। कौन हो तुम? मां बदौलत ने पहचाना नहीं। खादिम आपका पुराना मखार सुखमुल्ला आलमपना। जिले इलाही की सरपरस्ती से महरूम होने के बाद गुलाम ने राजा मालदेव के दरबार में सर छुपाने की जगह ढूंढ ली। खुलकर कहो, क्या कहना चाहते हो? खादिम की गुजारिश है कि आलमपना अपना इरादा तर्क फरमा दें। राजा मालदेव के दरबार में हालात साजगार नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो सुखमुल्ला? यकीनन तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। राजा मालदेव की दोस्ती पर शक करना गुनाह के बराबर होगा। गुलाम राजा मालदेव की नियक नेति पर किसी शुभा का इजहार नहीं करना चाहता, लेकिन अहले दरबार का रवैया नामुवाफिक नजर आता है। गुलाम का ख्याल है कि आलमपना अपना रास्ता भी तब्दील फरमा दे। तुम्हारे ख्याल की बुनियाद क्या है सुखमुल्ला? शेर खान ने धमकी दी है कि अगर महाराजा मालदेव ने आलमपना को उनके हवाले न किया तो शेर खानी फौज उन पर टूट पड़ेंगी। और हमारे दोस्त ने उनकी धमकी का क्या जवाब दिया? फिलहाल उनका जवाब फिक्रमंद खामोशी है, लेकिन गुलाम को यकीन है कि महाराजा की नेकदिली के बावजूद उनका कोई सरदार इनाम की लालच में आप तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेगा। फिदवी की इल्तिजा है कि आप किसी और तरफ निकल जाएं। आओ। नहीं मेरे जाने सारू, हमारे हिस्से के जख्म तो तुम लोगों ने अपने जिस्मों पर ले लिए। इनका अच्छी तरह ख्याल रखो।
रेगिस्तान की झुलसती हुई धूप और इस जहन्नुम में गर्मी में भी तुम्हारे कलम की रोशनी खुश्क नहीं हुई जौहर? वक्त की धूप और तजुर्बे की गर्मी ही तो कलम की रोशनी बनती है आका। आखिर वो कौन सी ऐसी दास्तान है जिसे तुम लिख रहे हो जौहर? कुछ आप बीती, कुछ जग बीती, ये जिंदगी की दास्तान है मेरे मालिक। किस जिंदगी की दास्तान? वो जिंदगी जो इस सहरा में सर पटकती हांफती पनाह तलाश करती फिर रही है, वो जिंदगी जो इस रेगिस्तान में एक एक बूंद पानी को तरस रही है, वो जिंदगी जो एक बेमानी सफर है और जिसकी आखिरी मंजिल इस बेकनार सहरा में मौत के अलावा और कुछ भी नहीं। नहीं मेरे आका, वो जिंदगी जो जाविदा है, पहम रवा है, हर दिन जवा है, वो जिंदगी जिसकी शाख से गरहमात का कोई फूल गिरता है तो दूसरी को पल फूट उठती है। इंसान मरा करते हैं आकाई, जिंदगी नहीं मरती। जिंदगी तो अजल की कोख से जन्मी है और उसका सफर अबद तक जारी रहेगा। बस करो, बस करो जौहर, लल्ला अपने कलम को रोको। कहीं ऐसा ना हो इस कहानी को पढ़कर आने वाला जमाना हमारा मजाक उड़ाए। लेकिन आलमपना, ये कहानी पढ़कर आने वाले कल को ये तो मालूम होगा कि बीते हुए कल में इंसानों पर क्या कुछ गुजरी है। कलम के सीने में बीते हुए लम्हों की अमानत महफूज होती है मेरे मालिक, ख्वाह ये लम्हे दुख के हों या सुख के। सुख वो तो एक ख्वाब बन कर रह गया है, एक शराब है जिसे पाने की कोशिश करो तो वो और भी दूर चला जाता है। मायूसी किसी दर्द की दवा और किसी जख्म का मरहम नहीं बनती बादशाह सलामत। जिस तरह जंग लोहे को और दीमक लकड़ी को चाट जाती है, उस तरह मायूसी इंसानी जिंदगी की दुश्मन है। मायूसी और चिता में फर्क सिर्फ इतना है कि चिता मुर्दों को जलाती है और मायूसी जिंदा इंसानों को। अल्लाह के इम्तिहान लेने के तरीके निराले हैं मेरे मालिक, और इस इम्तिहान में कामयाबी के लिए साबित कदमी और उम्मीद परस्ती पहली शर्त है। खादिम को यकीन है कि आप इस इम्तिहान से सर बुलंद होकर निकलेंगे। ऐसे शौहर हमने आपको क्या दिया? बेवतनी, दरबद्री, रंजो गम परेशानी, राह में कांटे झुलसती हुई रेत और धूप। बाखुदा हमसे तो कहीं बेहतर वो गरीब और आम इंसान है जो अपने अहलो अयाल के सरों का साया तो मुहैया कर सकता है। कुआ वो साया झोंपड़े की शक्ल में ही क्यों ना हो, हम तो आपको वो भी नहीं दे सके। बेगम, हमसे आपको क्या मिला सिवाय तकलीफ और दर्द के? आजकल हम जिस आलम में हैं, उसमें दर्द तो हर औरत को होता है, हालांकि इस दर्द में अपनी लज्जत भी है। आपने हमें जो दिया
वो इस दुनिया में एक औरत का सबसे बड़ा सरमाया है। आपने हमें माँ का दर्जा अदा किया। हमारे जिस्म में आपका बख्शा हुआ नूर परवरिश पा रहा है और हमारा ईमान है कि जिस दिन यह नूर हमारे जिस्म से बाहर आया उस दिन सारी दुनिया में उजाला फैल जाएगा। उम्मीद का उजाला, यकीन का उजाला, मोहब्बत का उजाला। फूल की शाख जैसे आपके नाजुक बदन को ऐसी तकलीफें बर्दाश्त करने की आदत नहीं। अगर आप चाहें तो हम आपको छोटी अम्मी जान के हजूर भेज दें। खुदा के लिए ऐसी दिल खराश बातें ना करे शाह। औरत हर अजाब बर्दाश्त कर सकती है, अपने शौहर से जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। औरत कोई सजावट या आराइश की शय नहीं, वो शरीक जिंदगी है तो शरीक गम भी। आपने ऐसी तकलीफ तय बात सोच कैसे ली? अल्लाह आइंदा कभी ऐसे न फरमाइएगा। आप हमारे सरताज, हमारे मिजाज खुदा, हमारे शौहर है। जिल्ले इलाही कनीज की राय है कि इस हालत में मलिका आलिया का सफर करना सख्त खतरनाक है, बल्कि इन्हें तो घोड़ी की सवारी से भी परहेज करना चाहिए। हमारे जिस्म में मौजूद यह नन्ही सी जान कोई मामूली हस्ती नहीं जो सफर के खतरों से घबरा जाए। वो तो खुद ही हर सख्ती खुशी से बर्दाश्त कर रहा है और हमें भी हौसला दे रहा है। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उसे देखकर वक्त के माथे पर पसीना आ गया। आका, इसके इशारों को समझने से कासर है। क्या यह हमारा लश्करी भूख से बेताब है? इस वफादार लश्करी को भूख और प्यास से ज्यादा आपका हालेजार सता रहा है मेरे मालिक। इसे आसमान की संदिली और वक्ती बेहिसी से शिकायत है, जिसने फर्शे मखमल पे चलने वाले कदमों के नीचे रेगिस्तान की रेत बिछा दी, जिसने आराम के पालों को दुख की झुलसती धूप में भटकने के लिए छोड़ दिया, जिसने इसके महबूब बादशाह और मलिका को इस दर्दनाक अजाब में मुब्तिला कर दिया, इसकी बेजुबानी चीख चीख कर कह रही है मेरे आका कि अब इससे आपका गम और बर्दाश्त ना होगा। इसको बता दो जोहर, इसकी वफादारी ने हमारे दिल को छू लिया है। इससे कह दो कि अल्लाह के बाद हमें सिर्फ ऐसे ही जानिसारों की वफादारी जिंदा रखे हुए है। शायद हमारे जज्बात महज अल्फाज के जरिए इस तक ना पहुंच पाए। Thank you.
سلطنت مغلیہ کی وہ شمع جو بابر اعظم نے اپنے خون جگر سے جلائی تھی ہوا کے بے رحم جھونکوں کی زد میں تھی۔ قدرت اپنے ہی امتحان پر شرمسار نظر آنے لگی۔ جو پاؤں فرش مخمل پر چھلے جاتے تھے ان کے نیچے انگاروں کی طرح دہکتی ریت بچھ گئی۔ لیکن امتحانوں کا سلسلہ ابھی جاری تھا۔ कौन हो तुम? हम कौन हैं? हम वो मुसाफिर हैं जिन्हें राह में भटकता हुआ छोड़कर वक्त का काफिला आगे बढ़ गया। अगर तुम्हें मालो जर दरकार है तो तुमने गलत कारवां का इंतखाब किया है सरदार। इस लुटे हुए कारवां के पास भूख प्यास मुफलसी और बेबसी के अलावा तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं। आपकी तेजस्वी आंखें आपकी जुबान का साथ नहीं दे रही हैं। आपके मस्तक की आभा आपके चेहरे का प्रताप ये बता रहा है कि आपका संबंध अवश्य किसी राज घराने से है। कहीं आप बादशाह हुमायूं तो नहीं? बादशाह है नहीं, बादशाह थे। अब तो हम उस बदनसीब इंसान की परछाई की तरह हैं जिसे कल तक दुनिया बाबर आजम का अजीम शान फरसन मिर्जा हुमायूं कहकर पुकारा करती थी। आज हमें वक्त की बेदर्द ठोकरों ने यूं पामाल कर दिया कि अब तो हमें अपना नाम भी अजनबी सा लगता है। और यह है हिंदुस्तान की मलिका जो इस हाल में इस रेगिस्तान में एक एक बूंद पानी को तरस रही है। क्षमा कीजिएगा महाबली, हमसे पहचानने में भूल हुई। जिसे वक्त ने बुला दिया हो उसे इंसान क्या पहचान पाएगा। लेकिन तुम कौन होने दिल सरदार? हम अमरकोट के महाराणा राणा वीरासल के सेनापति हैं। राणा आपसे मिलने को बहुत उत्सुक हैं। अमरकोट की धरती पर आपका स्वागत है सम्राट। हमारे अहोभाग्य कि आप हमारे मेहमान बने। जज़ाकअल्लाह।
आज जब हमारे अपने बेवफा साबित हो चुके हैं तो ऐसे में हमारा वो दोस्त हमारी मदद के लिए तैयार है जो कि हम मजहब भी नहीं। खुदा करे आने वाले जमाने को ये बात याद रहे कि हमारे इस खूबसूरत मुल्क में सिर्फ दरियाओं के संगम नहीं हुआ करते, दिलों के भी संगम हुआ करते हैं रानी। आपने ठीक कहा है सम्राट, दिलों के ये संगम ही इस देश की सुंदरता का रहस्य है। आइए महल में पधारें, आपको विश्राम की आवश्यकता है। मल्लिका भाभी, शिपानी क्या था? शिपानी खुदा की कसम, हमने अपनी जिंदगी में इतना मीठा, इतना शफाफ और इतना ठंडा पानी आज तक नहीं पिया था। ये गंगा जल है मल्लिका भाभी, हम इसे संगम से मंगवाते हैं। ये जल आपने पी लिया है, ये जल आपके सारे कष्ट, सारे दुख दूर करेगा। मत पूछिए नासू को, बहने दीजिए। बहुत जल्द आपके ये आंसू खुशी के आंसू में बदल जाएंगे। आपको इस अवस्था में विश्राम की आवश्यकता है, लेकिन घबराइए नहीं, यहाँ आपको कोई कष्ट नहीं होगा। आप अपने घर आ गई हैं। आप जिन बाहों के घेरे में हैं, उन्हें अपनी बहन की बाहें समझिए। खुदा ने हमें यहाँ पहुँचाकर हम पर बड़ा रहम किया है।
हुक्म हुक्म। हमें इस समय जगाने का कारण? क्षमा करें भगवान, शेरशाह सूरी का एलची अपने बादशाह का संदेशा लेकर आया है। शेरशाह? उस घमंडी सुल्तान का एलची क्या सुबह तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता था? हमने यही कहा था महाराज, परंतु उसने कहा है कि उसे आपका उत्तर लेकर तुरंत अपने बादशाह के पास लौटना है। धराज राणा वीरसाल को हमारे शहंशाह सुल्तान आदिल शेरशाह सूरी का सलाम कबूल हो। ये खादम सलार सैफ खान इज्जत महाब महाराजा की खिदमत में सुल्तान आदिल का पैगाम लेकर हाजिर हुआ है। हम तुम्हारे सुल्तान के स्वभाव को अच्छी तरह समझते हैं। रात के अंधेरों में वो संदेश नहीं धमकियां भेजते हैं, फिर भी हम उनका संदेश सुनने को तैयार हैं। सुल्तान आदिल को यह सुनकर दिली रंज हुआ है कि आपने उनके सबसे बड़े दुश्मन मिर्जा हुमायूं को अमरकोट में पनाह दी है। तुम्हारे न्यायप्रिय सुल्तान ने सुनने में कुछ गलती की है। मुगल सम्राट मिर्जा हुमायूं को हमने शरण नहीं दी है, वो हमारे मेहमान हैं। और तुम्हारे सुल्तान को यह तो मालूम ही होगा कि हम राजपूत हैं, हमारा मेहमान हमारा भगवान होता है। सुल्तान आदिल महाराज की फयाजी और दरिया दिली से अच्छी तरह वाकिफ हैं। उनका इरशाद है कि शायद महाराज को भी यह मालूम होगा कि उनसे टकरा कर मिर्जा हुमायूं के ताकतवर मुगल लश्कर का क्या हश्र हुआ। सुल्तान आदिल का ख्याल है अमरकोट का लश्कर मुगल लश्कर के मुकाबले बहुत छोटा है। अपने घमंडी सुल्तान से कहना कि हमारी सेना गिनती में कम हो सकती है, हिम्मत में नहीं। हमारे वीर योद्धा रणभूमि में केवल जान लेना और जान देना जानते हैं। उनसे कहना कि हम और हमारे वीर सिपाही उन दोनों ही बातों के लिए पूरी तरह से तैयार है। और उनसे यह भी कह देना कि हम चंद्रवंशी हर चढ़ते हुए सूरज की पूजा नहीं करते। प्रणाम सम्राट। सुबह बखैर हो राणा, तशरीफ रखिए। कुछ विश्राम मिला आपको? रूह की थकान तो आपकी मोहब्बत और रवादारी ने बिटा दी है राणा। जिस्म की थकान अमरकोट की खूबसूरत फिजाओं ने मिटा दी। किस कदर सुकून है यहां की फिजाओं में राणा। काश वो शांति जो अमरकोट की फिजाओं में है हमारे और हमारी प्रजा के दिलों में होती। आज अमरकोट की शांति प्रिय धरती दिन रात तूफानों की जद में रहती है सम्राट। रात के अंधेरों में धमकियों का तूफान और दिन के उजाले में आक्रमण का तूफान। आपके लहजे का ये दर्द आपके दिल के किसी हिस्से का जख्म बता रहा है। हाँ सम्राट, हमारे दिल में बहुत गहरा घाव है और ये घाव ठट्ठा के हाकिम शाह हुसैन की तलवार ने लगाया है। एक दिन
वो तूफान बनकर आया और अमरकोट की शांति को तहस नहस करके चला गया। हमारे राज्य की दीवारें इतनी मजबूत नहीं थी कि उसका सामना कर सकती। ये दीवारें ढह गईं और हमारे पिता श्री की आन और जान उसके मलबे के नीचे दब गई। शाह हुसैन ने हमें भी बहुत ही तकलीफें दी हैं। हमारा खिदमत गुजार होने के बावजूद उसने शेर खान से हाथ मिलाकर हमारे दिल को जरका लगाया है। काश बैरम खान हमारा लश्कर हमारे साथ होता तो खुदा की कसम उसका सर काट कर हम आपके कदमों में लाकर डाल देते। सेना की एक छोटी मोटी टुकड़ी हमारे पास भी है सम्राट, और जब से आपके अमरकोट आने का समाचार फैला है आपकी सेना की टुकड़ियां भी आसपास जमा होने लगी हैं। लेकिन मलिका भाभी की हालत देखते हुए हमें यह कहने का साहस नहीं हो रहा था। शायद खुदा ने हम दोनों को इसीलिए यकजा किया है कि हम एक दूसरे के काम आ सके। आपने अपना फर्ज पूरा कर दिया है राणा, अब दोस्ती निभाने की बारी हमारी है। मां बदौलत खुद शाह हुसैन को सजा देने के लिए रवाना होंगे। जहां पना राणा वीरसाल मिर्जा हुमायूं की दोस्ती से किसी भी कीमत पर मुंह मोड़ने को तैयार नहीं। उफ़ ये जज्बाती लोग, जज्बात की रो में बहकर ये भी भूल जाते हैं कि वक्त के धारे के खिलाफ बहने वाले कभी किनारे पर नहीं पहुंचते। राणा वीरसाल का नाम भी तारीख उन नादान इंसानों की फहरिस्त में दर्ज करेगी जिनके दिमाग उनके दिलों के आगे हथियार डाल देते हैं। इस रवैये से साफ जाहिर है जहांपना किस वक्त मिर्जा हुमायूं की दोस्ती वो अपने लिए ज्यादा फायदेमंद समझते हैं। उनको मालूम है कि इस वक्त सारा मुल्क मां बदौलत के कब्जे में आ चुका है और हिंदुस्तान से मुगलिया सल्तनत का खात्मा मुकम्मल हो चुका है। हमारी इनायत उनके लिए हुमायूं की मोहब्बत से ज्यादा सूदमंद साबित होती, लेकिन उन्होंने भी बैरम बेग की तरह कोरी जज्बातियत से काम लिया। हालांकि हमें यकीन है कि अब तक बैरम बेग का सारा कसोबल निकल चुका होगा। दारोगा जंदान को पैगाम भिजवा दिया जाए कि मां बदौलत अपने मौसिस कैदी का हाल जानना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मां बदौलत को यकीन है कि खुदा की इबादत और इस कैद खाने की तन्हाइयों ने तुम्हारे दिल को नर्म और गुदास बना दिया होगा बैरम बेग। खुदा का खौफ और तवील तन्हाइयां इंसान को अपनी खामियों और कमजोरियों का जायजा लेने का मौका फरहाम करती हैं। हम शुक्रगुजार हैं कि आली जाह के सबब हमें ये मौका मयस्सर आया। तब तो फिर इन तन्हाइयों ने तुम्हें समझा दिया होगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी खामी और कमजोरी यह है कि तुम जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर ना चल सके।
जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर मौका परस्त इंसान चला करते हैं आली जा। बुलंद इरादा और बाहिम्मत इंसान जमाने को चलने के अंदाज सिखाते हैं। यानी तुम अब भी अपनी जिद पर कायम हो? जिद? खादिम को नहीं मालूम था कि आली जा की जुबा में पक्के इरादे और मुस्तकिल मिजाजी को जिद कहकर पुकारा जाता है। अपनी हद से आगे ना बढ़ो पैरम्बेक। बाखुदा, अगर हम तुम्हारी काबिलियत और लियाकत के कायल ना होते तो तुम्हारा ये सर न जाने कब का कलम हो चुका होता। ये मत भूलो कि अगर आज तुम जिंदा हो तो ये महज हमारी इनायत का नतीजा है। आप आज बादशाह हैं, आप शौक से हमारी जिंदगी को अपनी इनायत का नतीजा कहें, आपको कौन रोक सकता है। मगर हम खुदा के नाचीज बंदे हैं। हम बहरहाल अपनी जिंदगी को सिर्फ पाक परवरदिगार के रहम व करम का नतीजा मानते हैं। अगर तुम इस खूबसूरत फरेब में मुब्तला हो कि तुम्हारा हुमायूं हिंदुस्तान का दोबारा बादशाह बन सकता है तो हमें तुमसे हमदर्दी है बैरम बेग। बखुदा, हम हिंदुस्तान की जमीन को हुमायूं के लिए इतना गर्म कर देंगे कि अगर उसने कभी यहां पांव भी रखा तो उसके पांव में आंपले पड़ जाएंगे और तुम्हारी उम्मीद के तमाम दरवाजे बंद हो जाएंगे। अगर इंसान तमाम दरवाजे बंद कर भी दे तो भी अल्लाह की रहमत का दरवाजा बंद नहीं होता। दरोगा जिंदान, पैरों पे के बारे में आखिरी फैसले का इंतजार किया जाए।